नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलायबिलिटी में, दैट इज़ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिफरेंट जो कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, बट मेनली हम तीन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, दैट इज़ द कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल प्रोफाइल। अगर हम चाहते हैं कि रिलायबिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की इम्प्रूव हो, तो उसमें से अगर इन तीनों फैक्टर्स में से कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट किसे करता है? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को। फर्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है, दैट इज़ द कॉस्ट। कॉस्ट हम कहते हैं हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होती है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को करती है। दिस मीन्स अगर हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है, तो रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर भी हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर कॉस्ट डिक्रीज करेगी तो हमारे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी भी हमेशा डिक्रीज करेगा। सेकेंडली हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी हमेशा इंक्रीज कैसे करेगी? अगर हमारे पास हम टेस्टिंग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। साथ ही हम ये भी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब हम डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में से, तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बिटवीन जो हमारे पास कॉस्ट इन्वॉल्व है, बिटवीन फाइंडिंग एंड रिमूविंग द फेलियर्स, अगर हमने आइडेंटिफाई किया एरर्स को उन्हें रिमूव करने में, और उसके अलावा जब हम रिपेयर करवाते हैं सिस्टम को, जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया अपने एरर्स को। हमें इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ पे ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, या तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी जब हम एरर्स को रिमूव कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, और या हमारे पास सिस्टम में क्या आ जाएगा, फेलियर ज़्यादा से ज़्यादा अकर करेंगे। सेकेंड फैक्टर हमारे पास आता है, दैट इज़ द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम जो हमारे पास है, रिलायबिलिटी कैसे इंक्रीज करेगी? फर्स्ट हमारे पास आता है अगर हम सिस्टम को रिडंडेंट बना देते हैं। रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेट अगर हमारा सिस्टम बन जाता है। अगर हमारे पास एक चीज़ दो या तीन चीज़ों से ज़्यादा आगे पड़ी है, तो वहाँ पर हमारे पास आइडेंटिफाई करना, सर्च करना इजी हो जाता है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एडिशनल रन चेक्स को हमें यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब हमें ज़्यादा ज़्यादा अपने सिस्टम को टेस्ट करना पड़ेगा, जो इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करवाएगा। जो हम सिस्टम रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी का ऑपोजिट इफेक्ट है। दिस मींस अगर एफिशिएंसी डिक्रीज कर रही है, तो रिलायबिलिटी हमेशा इम्प्रूव करेगी। थर्ड हमारे पास आता है, दैट इज़ द ऑपरेशनल प्रोफाइल। ऑपरेशनल प्रोफाइल मीन्स कि अगर हमारे पास एक्यूरेट ऑपरेशनल प्रोफाइल है, वो हमें फ्रीक्वेंटली अकरिंग फेलियर्स को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करता है। सेकेंड, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स मीन्स हम कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि कौन सा मॉडल हमारे लिए बेटर है, क्या हमारे पास फेलियर्स अकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशनल प्रोफाइल फैक्टर जो हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, वो डिफिकल्ट है डिटरमिन करना इन द रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मेन पर्पस इसका क्या हो जाएगा कि अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं रिलायबिलिटी को, तो उसके लिए हमारे पास एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज सफिशेंट होने चाहिए कि हम हर चीज़ के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करवा सकें।